रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान अपनी पत्नी तजीम फातिमा के लिए चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। रामपुर की जनता के बीच आजम खान अपने ऊपर लगे मुकदमों के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। यहां उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि खुशियों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि 22 किलो वजन घट गया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही आजम खान रामपुर से नदारद थे, जिसका कारण उन पर लगे दर्जनों मुकदमे हैं। आजम खान की जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर इलाके के किसानों ने उन पर केस दर्ज कराए हैं। इसके अलावा भी उन पर केस दर्ज हैं। आजम खान अपनी पत्नी और बेटे के साथ पूछताछ का सामना भी कर चुके हैं। इस लंबे खींचतान के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार में पहुंचे हैं। एक जनसभा में आजम खान भावुक हो गए। आजम खान ने मंच से कहा, जिंदगी का इतना लंबा सफर गुजरने के बाद तुम्हारा यह साथी 1 किलो वजन बढ़ाकर नहीं बल्कि 22 किलो वजन घटाकर आज तुम्हारे सामने खड़ा है। बस यही तो मिला आपसे सांसद का चुनाव जीतने के बाद। वजन घटाने की बात कहते हुए आजम खान ने कहा कि अभी तक भी लोकसभा चुनाव की जीत की कीमत अदा नहीं कर चुका हूँ, ना जाने इस जीत की कीमत कितनी अदा करनी होगी। आजम खान ने आगे कहा कि अगर 100 साल के बूढ़े दरखास्त पर डकैती के 100 मुकदमों की तस्वीर का नोटिस चस्पा दोगे तो दरखास्त सूख कर गिर जाएंगे। भावुक स्पीच के बाद आजम खान ने कहा कि इस लड़ाई से पीछे तो नहीं हट सकते हैं, मैदान छोड़कर भाग भी तो नहीं सकते हैं। रामपुर विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद आजम खान ने रामपुर सीट से 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। आजम खान के सांसद बनने के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हो गई, जिस पर 21 अक्टूबर को मतदान होना है और आजम खान की पत्नी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। उसकी वजह यह है कि जिंदगी का इतना लंबा सफर गुजारने के बाद तुम्हारा ये साथी 1 किलो वजन बढ़ाकर नहीं बल्कि 22 किलो वजन घटाकर तुम्हारे सामने आ चुका है। बस यही तो मिला आपसे। पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतने के बाद खुशियों के कितने पहाड़ टूटे, यही तो मिला आपसे। और यही मांगने तो मैं आता हूं आपके पास, यही मांगने आता हूं, मांगने आता हूं आंसू। बस आप बनाओ मेरा सुनहरे ऊपर, कहो एक ढोंगी आता है, एक मदारी आता है, वो झांसू बहाता है और चला जाता है, लेकिन वो 22 किलो वजन जिसे तुम अपना ताई कहते हो, तो चोर डाकू है वो। बताओ इस एहसास को लेकर कोई खुददार जो है साथ जिंदा रह सकता है? मैं जिंदा हूं, अभी तक जिंदा हूं, इसलिए कि मैं बात ही नहीं, मैं मुझे नहीं हूं, और इसलिए कुछ नहीं हूं कि मैं आपका वकील हूं। मैं आपकी खुशियां चाहता हूं। मैंने इस शहर को, इस उत्तर प्रदेश को, आपके मामलात को, आपका 3 तलाक का मसला हो, अयोध्या राम जन्मभूमि हो, कानून शरीयत हो, मैंने बस यही तो कहा कि यह हमारा साथी मामला है, अदालत के फैसले का इंतजार करो, आपस में तसादुम मत करो। और क्या कहा, यही राय तो थी आपकी, वही तो लड़ाई मैंने, उसी की तो सजा है। क्यों हार गया वो जिसने यहां पर दौलत के अखबार लगा दिए, वो क्यों हार गया? गैर दारू को
तुमने इस शख्स को क्यों जिता दिया, यह शिकायत जमा दे। तुम्हारी गैरत का इम्तिहान हो गया, तुम गैरत के इम्तिहान में पास हो गए, इसीलिए जमाना तुमसे नाराज हो गया। अगर 100 साल के मोटे सड़क पर डकैती के 100 मुकदमों की तफसील के नोटिस चस्पा कर दोगे उत्तर सूच करके जाएगा। अपने आप से पूछो कितना बड़ा इंसाफ हुआ है हमारे साथ। आसमान वाले से सवाल करता हूं, सवाल नहीं करता हूं, इल्तिजा करता हूं उससे कि अल्लाह फिर कौन तेरी वकालत करने निकलेगा, तेरे कमजोर बच्चों को पढ़ाने फिर कौन निकलेगा, कौन तेरे मासूमों के लिए हाथ बढ़ाएगा, कौन तेरे मासूमों के लिए दामन फैलाएगा। अदाकारी नहीं है, 22 किलो वजन कम हुआ है, मैं नहीं जानता कि इस इलेक्शन की जीत के बाद इम्तिहान और कितना बड़ा होने वाला है। अभी नहीं मालूम कि पार्लियामेंट की जीत की कीमत तो अदा अभी तक नहीं कर सका, इस जीत की कीमत कितनी अदा करना होगी इस लड़ाई से पीछे भी तुम नहीं कर सकते। मैं नाम छोड़कर भाग की कोशिश की, आपका साथ चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।